हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे DRDO सेप्टम के ANA के आपके कटऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या कटऑफ जा सकती है 1000 बच्चों के कमेंट्स के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज बताएंगे हम इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपने इसका एग्ज़ाम दिया है तो। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हम बताएंगे आपको कैटेगरी वाइज, चाहे आपकी कैटेगरी अनरिजर्व हो, VC हो, EWS हो, SC हो, ST हो, PWD हो, आज हम जो है ये आपको इन सभी कैटेगरी वाइज जो है आपको कटअप बताने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कि कितनी कटअप जो है जा सकती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, चाहे डिपार्टमेंटल भर्ती क्यों ना, आपको यहाँ पे मिलेगी प्रॉपर गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्या आपको जो है रणनीति अपनानी है, कैसे आपको जो है नोट्स तैयार करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हम प्रोवाइड कराते हैं और बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहली चीज़ हम बता दें दोस्तों कि हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनरिजर्व से। जी हाँ, आपका टाइम बहुत ही गोल्डन है और मैं चाहता नहीं किसी का भी जो है एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो, तो मैं फटाफट सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ। अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पे ANA वालों का जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप है, 10,000 लोग जो है अभी तक कमेंट कर चुका है, उससे ज़्यादा ही हैं, बट हमने जो है 10,000 का ही जो है डेटा लिया है। तो 10,000 पीपल्स के बाद जो लोगों का जो अनुमान है, जो काफ़ी लोगों का जो एनालिसिस है, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद जो उनके अकॉर्डिंग कटअप जाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 105 से लेके 110 के आसपास ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 105 से 110 के बीच में ही जो है सभी के जो है नंबर्स आ रहे हैं, मोस्टली जो 10,000 लोगों ने बताया है उनके अकॉर्डिंग, काफ़ी लोगों के से ज़्यादा भी है, लेकिन अगर एक एनालिसिस किया गया तो उसके रिपोर्ट के अनुसार 105 से 110 के नंबर के बीच में आपका नंबर है, तो आप आराम के साथ जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट कैटेगरी है OBC। अब OBC की बात करें तो यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास में आपको कम से कम, जी हाँ दोस्तों, आपके नंबर जो है यहाँ पे कितने होने चाहिए, काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो फाइनली आज आपका ये वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बताएं तो सबसे कम जो आपको नंबर चाहिए वो है आपका 95 से लेके 100। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका नंबर का राउंड फिगर जो है इसके आसपास में है तो आप अपने आप को सिक्योर और सेफ समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा एडवर्टनी सोचने की ज़रूरत नहीं है निगेटिव माइंड होने की, आप पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि यही जो है अभी तक 10,000 लोगों का जो अगर देखा जाए तो, देखिए अभी फ़िलहाल कमेंट्स चालू हैं, लेकिन 10,000 के लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग होते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग इतना नंबर है तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो है कटऑफ इसी के आसपास ही रहने वाली है। EWS की बात कर लेते हैं। EWS में अगर मैं बताऊँ यहाँ पर जो कटऑफ है वो लगभग देखिए 100+ में ही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 100+ में रहेगी, 102 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स, क्योंकि EWS का जो कटअप है वो जनरल के एकदम नियर बाई है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप 100+ में हैं तो आप EWS से अप्लाई किए हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो आप आराम के साथ क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। SC की बात कर ले तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों, आपको 85 नंबर तो क्रॉस करना होगा, 85 से 90 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर सेफ समझ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आ जाते हैं हम कैटेगरी ST पे। तो ST की बात करूं तो यहाँ पे आपको कम से कम जो नंबर है वो आपका है 80 से 85 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, तो 80 अगर आप प्लस में है और 85 के आसपास में भी हैं तो भी आप जो है मैक्स टू मैक्स जो है इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाली है, तो ये आपका जो है ST कटअप हो गया। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसलिए मैं ज़्यादातर शॉर्ट ही वीडियोस बनाता हूँ, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाता। तो PWD की बात करें तो PWD में आपको मैक्स टू मैक्स कटअप जो जाने वाली है वो है आपकी 75 से लेके 80 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 75 से लेके 80 के अंदर आप PWD में, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपका नंबर है और आपने जो है अप्लाई किया है, तो आप जो है इतने नंबर के बीच में जो है अपने आपको संतुष्ट और हैप्पी महसूस कर सकते हैं, सिक्योर सेफ हैं, क्योंकि ज़्यादा कटअप जाएगी नहीं PWD की। तो अकॉर्डिंग टू 10,000 पीपल ने अगर मैसेज किया तो दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा जो है अमाउंट है 10,000, तो अगर इतने बड़े अमाउंट में लोग जो है मैसेज कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कटअप कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जा सकता है और कितना जो है डिफरेंस होगा। तो ओवरऑल के लिए दोस्तों, यहीं वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर अभी तक आपने मैसेज नहीं किया अपने हिसाब से तो आप भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आपके मार्क्स
विथ कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब कलेक्ट करके डेटा प्रेजेंट करेंगे तो आपका भी जो है इंक्लूड होगा उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं सरकार से संबंधित, जी हाँ दोस्तों सरकारी जॉब से संबंधित, तो आप हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्मार्ट न्यूज चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर आपको निराशा